My dear friends, once again, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग महिला समाख्या टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि महिला समाख्या क्या होता है, महिला समाख्या किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के पहले, इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने भारत में महिला या नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा की क्या स्थिति रही है वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया. उसी चैप्टर के तहत महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा पाठ के अंतर्गत ही, उसी चैप्टर के अंतर्गत ही यह एक सब टॉपिक है महिला समाख्या, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट किया जाए. इससे पहले आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और साथ ही में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से उपलब्ध हो जाएं और आप आसानी से उनको देख पाएँ, आपको सभी वीडियोज आसानी से मिल सकें. तो कृपया आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए. चल दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महिला समाख्या. महिला समाख्या का अभिप्राय, प्रिय विद्यार्थियों, होता है विमेन से या महिलाओं से. अर्थात महिला समाख्या जो है, महिला समाख्या विमेन्स या महिलाओं का एक समूह होता है. महिला समाख्या शब्द का अर्थ होता है कि महिलाओं का समानता के आधार पर बोलना. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यह शब्द है महिला समाख्या, जो ये वर्ड है महिला समाख्या, इसका अर्थ ही है महिलाओं के सशक्तिकरण से, महिलाओं की समानता से. अर्थात महिला समाख्या का जो उद्देश्य रहा, जो प्रमुख उद्देश्य है, वह है कि महिलाओं को समानता मिले, वे अपनी समानता के आधार पर, समानता के साथ, समानता के ग्राउंड पर, इक्वलिटी के बेस पर जो है अपनी बात को कह सकें. प्रिय विद्यार्थियों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी, नई शिक्षा नीति 1986 आई थी, उसमें जो अनुच्छेद 4.2 था, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुच्छेद 4.2 के परिपालन में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की दृष्टि से अप्रैल 1989 में इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महिला समाख्या योजना है, जो महिला समाख्या कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने अप्रैल 1989 में इसको जो है आरंभ किया, और इसको आरंभ करने का जो रिकमेंडेशन था वो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 1986 के 4.2 अनुच्छेद में किया गया था, और उसी के परिपालन में, उसी के अनुपालन में केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल 1989 में इस कार्यक्रम को, इस योजना को प्रारंभ किया. प्रिय विद्यार्थियों, महिला समाख्या कार्यक्रम हमारे देश के 8 राज्यों में और उनके 60 जनपदों में और कुल मिलाकर के 13,000 से अधिक गांवों में चल रही है. तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण और कितनी महत्वाकांक्षी योजना थी हमारी गवर्नमेंट की. और यह महिला समाख्या योजना जो है, महिला समाख्या कार्यक्रम जो है, भारत के जिन 8 राज्यों में चल रही है, वे राज्य हैं प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम. तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 8 राज्य रहे हमारे, जिसमें उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, केरल 3, कर्नाटक 4, बिहार 5, गुजरात 6, आंध्र प्रदेश 7 और असम 8. इन 8 राज्यों में प्रिय विद्यार्थियों महिला समाख्या कार्यक्रम चल रहा है, और उन 8 राज्यों के 60 जनपदों में और उन 60 जनपदों के
कम से 13,000 से अधिक गाँव में जो है महिला समाख्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो कार्यक्रम है, जैसा कि आपने प्रारंभ में ही देखा कि इस कार्यक्रम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया था। तो महिला समाख्या कार्यक्रम के संबंध में जो वित्तीय सहायता है वो भी 100% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के जिम्मे है, केंद्र सरकार देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए इंडो डच संयुक्त कार्यक्रम के रूप में नीदरलैंड सरकार ने 100% सहायता देती है। अर्थात इस कार्यक्रम को, महिला समाख्या कार्यक्रम को चलाने के लिए जो 100% वित्तीय सहायता है वो नीदरलैंड की गवर्नमेंट देती है। नीदरलैंड की गवर्नमेंट जो है इंडो डच संयुक्त कार्यक्रम के रूप के एक अंग के रूप में इस कार्यक्रम को जो है 100% वित्तीय सहायता देती है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको हम तक पहुंचाती है इन इन कार्यक्रम, जहां ये कार्यक्रम लागू हो रहे हैं उन राज्यों तक वित्तीय सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े महिला वर्गों की शिक्षा तथा उनको अधिकार संपन्न करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम को लागू किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि जो महिला समाख्या कार्यक्रम है यह जो है उन महिलाओं के लिए है जो विशेष रूप से सामाजिक रूप से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। अर्थात सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस जिनका जो है बैकवर्ड है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेटस की जो महिलाएं हैं, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको अधिकार संपन्न बनाने की दृष्टि से इस कार्यक्रम को लागू किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो कार्यक्रम है महिला समाख्या कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को लागू करने का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वह यह उद्देश्य रहा कि हमारे गाँव में जो है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ी महिला वर्ग हैं, जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको अधिकार संपन्न करने के लिए, उनको जो है समानता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्यक्रमों की सूचना, सामान्य जानकारी, पर्यावरण, व्यक्तित्व एवं समाज में अपनी स्वधारणा से संबंधित विवादों के बारे में चर्चा होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महिला समाख्या कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो समूह है उन समूह में महिलाओं के स्वास्थ्य, सबसे बड़ी बात है कि उनका वे जो है हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद प्रिय विद्यार्थियों आता है एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा कैसे हो, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ महिलाओं के विकास के संबंध में कौन कौन सी कार्यक्रमें हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के, उन कार्यक्रमों, उन प्रोग्राम्स के बारे में सूचना देना लोगों को, महिलाओं को सूचित करना, उनको जो है सामान्य जानकारी प्रदान करना, और साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे संतुलित रहे, पर्यावरण को हम कैसे प्रदूषण से बचाएँ, हम अपने सामाजिक पर्यावरण को, आर्थिक पर्यावरण को, और साथ ही साथ जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हम कैसे स्वस्थ रखें, और उन सबको स्वस्थ रखने के साथ साथ महिलाएं अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, अपना व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व में निखार कैसे लाएं, और साथ ही साथ अपने अंदर जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, अपनी स्वधारणा की भावना, इस कैसे व्यक्तित्व कैसे उसका विकास करें, इन सभी के बारे में महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा होती है। महिलाओं को जागरूक किया जाता है, महिलाओं का पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, और गवर्नमेंट से जो भी जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं महिलाओं के संबंध में, उनके जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए जिन जिन कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है उन सभी कार्यक्रमों की जानकारी महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाएं हैं गाँव में, उनको जो है प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, महिला संघ वह केंद्र बिंदु होता है जहाँ सभी गतिविधियाँ
गतिविधियों की योजना बनाई जाती है और जहां महिलाएं मिल बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महिला सामाख्या कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है एक संघ होता है जिसको हम लोग महिला संघ कहते हैं, और महिला संघ के द्वारा ही वहाँ पर महिलाएं बैठती हैं, वहाँ पर विचार करती हैं, मंत्रणा करती हैं, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर मिल बैठकर वे चर्चा करती हैं। महिला संघ के अंतर्गत महिला संघ के द्वारा ही जो भी कार्यक्रम जो है महिलाओं के हित के लिए लागू किए जाते हैं उन सभी योजनाओं को बनाया जाता है, उन गतिविधियों की योजना महिला संघ के अंतर्गत बनाई जाती है। जो महिला संघ की सदस्य होती हैं, जो उसकी महिलाएँ होती हैं और या जो सहयोगिनियाँ होती हैं, जो उसकी सखियाँ होती हैं, वे सभी मिल बैठकर जो है महिला कार्यक्रमों को बनाती हैं और उस पर विचार विमर्श करती हैं। तो विचार विमर्श करने के लिए जो स्थान होता है वो स्थान प्रिय विद्यार्थियों होता है महिला संघ, और महिला संघ के कार्य को सखी या सहयोगिनी संपादित करती हैं जिनका संघ के सदस्य चुनाव करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महिला संघ का कार्यक्रम होता है, महिला संघ कौन सा कार्य करेंगी, इन सभी कार्यों को संपादित करने के लिए वहाँ पर सखियाँ होती हैं या सहयोगिनियाँ होती हैं, और इन सखी या सहयोगिनियों का जो है चुनाव जो संघ के सदस्य होती हैं अर्थात जो उस संघ से जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं, वे सभी महिलाएं जो है मिल करके उस संघ की सखी या सहयोगिनी कौन होंगी उनका वे चुनाव करती हैं, और यही सखी या यही सहयोगिनी जो है सभी कार्यक्रमों या सभी योजनाओं को जो है और अन्य सभी महिलाओं या सदस्यों के साथ मिल करके सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक महिलाओं के दल को जिसे सखी या सहायकी कहा जाता है उन्हें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, महिला संघ के द्वारा जिन सखियों या सहयोगिनियों का चुनाव किया जाता है उन सखी या सहयोगिनी या सहायकी को जो है उन ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, जिससे कि वे जो है महिला संघ के अंतर्गत जो महिला सदस्य हैं उनको जो है मोटिवेट कर सकें, वे जो है एक स्टिमुलेटर का कार्य कर सकें, एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकें। जब वे स्टिमुलेटर या उत्प्रेरक का कार्य करेंगी तो महिला संघ से संबंधित जो महिलाएं हैं या गांव की जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं उन महिलाओं को मोटिवेट करेंगी, उनको अभिप्रेरित करेंगी, उनके अपने संघ से जोड़ेंगी और उनके विकास के बारे में क्या क्या हो सकता है, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में या उनको अधिकार संपन्न बनाने में के लिए क्या क्या कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों से उनको जोड़ेंगी, उनको मोटिवेट करेंगी और उनका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में उनकी मदद कर पाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, यह महिला संघ जो होता है दल की महिलाओं को एकत्रित करने तथा उन्हें संगठित करने का कार्य करते हैं और संघ में विचार विमर्श को बढ़ावा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये सखी या सहायकी या सहयोगिनियाँ होती हैं वे जो है जो दल की जो संघ की महिलाएं होती हैं, जो सदस्य होती हैं या फिर अन्य जो महिलाएं होती हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं उन सभी को एकत्रित करना, उन सभी को संगठित करना और जो महिला संघ के जो कार्यक्रम हैं, महिला संघ की जो विचारधारणा है उन विचार विमर्श से, उन कार्यक्रमों से, उन योजनाओं से उनको परिचित कराना और महिला संघ के विचार विमर्श को बढ़ावा देने का प्रमुख कार्य जो है इन सहयोगियों या सखियों का होता है। प्रिय विद्यार्थियों, संघ के लिए निर्धारित राशियां बैंक या डाकखाने में जमा की जाती है और इस धन का उपयोग महिलाओं के द्वारा 3 वर्ष तक सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए धन की या अर्थ की आवश्यकता पड़ती है और इसके बारे में हम लोगों ने प्रारंभ में ही देखा कि जो धन या अर्थ या वित्तीय सहायता की बात है तो वित्तीय सहायता जो है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इन संघों को प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इन संघ को धन प्राप्त होता है वह धन जो है बैंक या डाकखाने के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या बैंकों के द्वारा इनको प्राप्त होता है। उनका जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में जो है पैसा या धन आ जाता है और उस धन का प्रयोग जो है जो संघ की महिलाएं होती हैं, सखियां होती हैं, वे लोग जो है सामूहिक रूप से 3 वर्ष तक जो है सामूहिक कार्यों को करने के लिए उस धन का प्रयोग करती हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, सहयोगिनियां जो 10 गांव के समूह को देखती हैं, संघ के प्रेरक, समर्थक एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया कि जिन जो सखियां होती हैं, सहयोगिनियां होती हैं, वो जिन गांवों को देख रही होती हैं, जिन संघों को देख रही होती हैं, उस संघ को वो प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, लोगों का समर्थन करती हैं, लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। अर्थात जो भी संघ की महिलाएं होती हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, उन सभी को जो है आगे बढ़ाने का कार्य, उन सभी को मोटिवेट करने का कार्य, उन सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य, या उन सभी को विभिन्न योजनाओं से परिचित कराने का कार्य, उन सभी के लिए शिक्षा के बारे में, उन सभी के स्वास्थ्य के बारे में, कैसे उनकी जो है स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, कैसे उनको जो है शिक्षित किया जा सके, इन सभी कार्यों को जो है प्रदान करने का जो प्रमुख भार होता है, जो प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, वो सखी या सहयोगनियों पर होता है। और वे सखी या सहयोगनियाँ जो है संघ के जो भी सदस्य होती, महिला सदस्य होती हैं, उन सभी को अभिप्रेरित करती रहती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं हेतु ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिससे वह स्वयं अपनी गति के अनुसार ज्ञान अर्जित कर सकती हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा सकती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो महिला समाख्या कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वह यह है कि यह कार्यक्रम जो है महिलाओं को स्वयं को जो है महिलाओं को इस तरह से सशक्त बनाती है कि वह अपना वातावरण इस तरह से क्रिएट कर पाएँ कि जो भी उनका वातावरण हो, जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में भी हो, उस एनवायरनमेंट को इस तरह से वे अपना तैयार कर सकें, इस तरह से वातावरण का निर्माण कर सकें कि वे अपनी गति के अनुसार अपना ज्ञान का अर्जन कर सकें। अर्थात महिला समाख्या कार्यक्रम जो है महिलाओं को इस तरह से तैयार कर देती है, या फिर ऐसे वातावरण का समाज में, परिवार में या संघ के अंदर जो है ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करती है जिससे संघ से जुड़ी जो महिलाएं हैं वे सभी महिलाएं जो हैं अपने सेल्फ पेस अर्थात स्वगति के अनुसार ज्ञानार्जन का कार्य कर सकें और साथ ही साथ वे इतना सक्षम हो सकें कि वे अपनी समस्याओं को स्वयं भी सुलझा सकें। अर्थात अपनी समस्याओं को स्वयं भी सुलझाने में वे सेल्फ डिपेंड बन सकें। प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम द्वारा महिलाओं में इस भावना को जागृत किया जाता है कि वे किसी भी तरह से अन्य महिलाओं से कम नहीं हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें समस्याओं से निपटने, आत्मविश्वास को जागृत करने तथा जीवन संघर्ष को दूर करने की शिक्षा दी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महिला समाख्या कार्यक्रम है, इस महिला समाख्या कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि महिलाओं को सशक्त बना देना, महिलाओं के अंदर जो है सेल्फ डिपेंड बना देना, उनके अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न करना और साथ ही साथ जो है उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। अर्थात महिला समाख्या कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम का जो प्रमुख कार्य है वह यह कार्य है कि वह महिलाओं के अंदर इस भावना को जागृत करें कि वे किसी से कम नहीं है। अर्थात जो महिलाएं हैं, जब उनके अंदर यह भावना जागृत हो जाएगी कि वे किसी से कम नहीं हैं, तो अर्थात वे ऐसा नहीं कि कोई भी कार्य वे नहीं कर सकती हैं, जब उनके अंदर भावना जागृत हो जाएगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ तो मैं भी सभी कार्य को कर सकती हूँ, मैं भी शिक्षा ग्रहण कर सकती हूँ, मैं भी ज्ञान अर्जन कर सकती हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई कर सकती हूँ या विभिन्न क्षेत्रों में मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महिला समाख्या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है कि यह महिलाओं के अंदर इस भावना को जागृत किया जाए कि वह अन्य महिलाओं से कम नहीं है और इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं के अंदर जो है सेल्फ डिपेंड होने का या अपनी समस्याओं का समाधान खुद से जो है उस समाधान ढूंढने का जो है उसकी योग्यता जो है महिलाओं के अंदर विकसित की जाती है। अर्थात इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें अपनी समस्याओं को खुद से निपटाने का जो है योग्यता प्रदान की जाती है, उनको स्किल्ड किया जाता है, साथ ही साथ उनके अंदर जो है आत्मविश्वास को जागृत किया जाता है और जिससे कि वे अपने जीवन में जो भी संघर्ष हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर कर पाएँ उसकी शिक्षा प्रदान की जाती है,
कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें, उनके अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो सके, अपनी समस्याओं का समाधान वे खुद कर सकें और उनके जीवन में जो भी झंझावात आ रहे हैं, जो भी जीवन में संघर्ष हैं, उन संघर्षों से वे कैसे सामना कर सकें, इन सभी के बारे में महिलाओं को महिला सामख्या कार्यक्रम के अंतर्गत उनको शिक्षित किया जाता है, उनको दक्ष बनाया जाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया कि महिला सामख्या कार्यक्रम क्या है, उसका जो है धन अर्थ कहाँ से प्राप्त होता है और उसके क्या क्या प्रमुख रोल है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि महिला सामख्या योजना या कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो हमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा इस प्रोग्राम या इस योजना के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, महिलाओं की आत्मछवि एवं आत्मविश्वास को बढ़ाना, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि जो महिला सामख्या कार्यक्रम है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके अंदर आत्मछवि एवं आत्मविश्वास को की वृद्धि करना, आत्मछवि एवं आत्मविश्वास को बढ़ाना, साथ ही साथ ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएँ वह ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सकें जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका अदा करने में सहायता प्रदान करे। प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि महिला सामख्या कार्यक्रम जो है एक प्रकार का ऐसा वातावरण क्रिएट करती है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है कि उस वातावरण में या उस इन्वायरमेंट में महिलाएं खुद ही अपना ज्ञान अर्जन कर सकें, खुद ही वे सूचना प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ वे इतना सक्षम हो सकें, उनके अंदर इतना जो है आत्मनिर्भरता आ सके कि वे समाज में जो भी रचनात्मक कार्य हो उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकें, अर्थात समाज के कार्यों में वे प्रतिभाग कर सकें, उसमें जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएं वह ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सकें जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका अदा करने में सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों कि महिला संघों को गाँव में शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन तथा निगरानी करने योग्य बनाना। तो महिला सामख्या कार्यक्रम जो है प्रिय विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत जो महिला संघ हैं उन महिला संघों को इस तरह से कंपिटेंट बनाया जाता है, इस तरह से उनको योग्य बनाया जाता है कि गाँव में जो महिलाओं की शिक्षा के संबंध में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम या शैक्षिक प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका वे क्या कर सकें, उनका वे इवेल्युएशन कर सकें, निगरानी कर सकें, सुपरविजन कर सकें, अर्थात जो महिलाओं के शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों का वे मूल्यांकन कर सकें, सुपरविजन कर सकें, जिससे कि यदि आवश्यकता पड़ने पे उन कार्यक्रमों में उन शैक्षिक गतिविधियों में सुधार भी किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज महिलाओं तथा किशोर उम्र की लड़कियों को शिक्षा के अवसर देना तथा महिलाओं और लड़कियों के उपचार तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी संभव बनाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह देखिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है कि हमारे गाँव में ऐसी महिलाएँ जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, उन महिलाओं की तथा जो गांव में किशोर उम्र की लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स लड़कियां हैं, जो जो किशोर उम्र की लड़कियां हैं, उन लड़कियों को शिक्षा के अवसर कैसे प्रदान किए जाएँ, उनको शिक्षा कैसे प्रदान किया जाए, उनको अधिक से अधिक शिक्षा के अवसर कैसे प्रदान किए जाएँ, इसके लिए जो है जो हमारा औपचारिक अर्थात जो फॉर्मल तरीका है और उसके साथ साथ जो नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है, तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल अर्थात औपचारिक तथा अनौपचारिक जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो शैक्षिक कार्यक्रम फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है, उन दोनों मोड से उनको कैसे जोड़ा जाए और औपचारिक तथा अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा समाज की जो महिलाएँ हैं और जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को कैसे उसमें अधिक से अधिक भागीदारी जो है उनकी कराई जाए और उनको कैसे जो है शिक्षित किया जाए, इन सभी कार्यक्रमों को जो है क्रियान्वयन करना ही इस महिला सामख्या कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महिला सामख्या कार्यक्रम है, यह महिला सामख्या कार्यक्रम जो है महिलाओं तथा किशोर उम्र की लड़कियों को
शिक्षा के अवसर देने तथा महिलाओं और लड़कियों के औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी संभव बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रबंध का विकेंद्रीकृत और भागीदारी वाला तरीका स्थापित करना। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट को क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड जो मैनेजमेंट का जो तरीका है, अर्थात प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, और साथ ही साथ जब विकेंद्रीकृत होता है हमारा प्रबंधन तो उसमें जो है अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होता है, अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात महिलाओं के अंदर जो है जो संघ का निर्माण हो रहा है, उन संघ के निर्माण में जो उसका जो मैनेजमेंट हो, उसका जो प्रबंध हो, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो, अर्थात वहाँ पे विकेंद्रीकरण हो, और जिससे कि अधिक से अधिक महिलाएं उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकें, अधिक से अधिक महिलाओं के ऊपर जो है कुछ उनको रोल दिया जाए, कुछ उनको जिम्मेदारी दी जाए। तो इससे क्या होगा कि जो प्रबंध का विकेंद्रीकृत और भागीदारी वाला तरीका है वो जो है महिला सामख्या या महिला संघों में स्थापित होगा, और महिलाएं जो है विकेंद्रीकरण और भागीदारी वाले तरीके को अच्छी तरह से सीख पाएंगी, और उसके द्वारा जो है महिला सामख्या के कार्यक्रमों को और अच्छे और प्रभावशाली ढंग से जो है लागू किया जा सकेगा। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है स्त्री शिक्षा हेतु प्रेरित करना, प्रौढ़ और अनौपचारिक तथा विद्यालय पूर्व सतत शिक्षा के लिए नए शैक्षिक उपादान प्रस्तुत करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वह यह है कि महिलाओं को हम लोग क्या कर सकें, एजुकेशन के लिए प्रेरित कर सकें, अर्थात स्त्री शिक्षा हेतु प्रेरित करना, और साथ ही साथ वे समाज की महिलाएं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनको शिक्षा प्रारंभ में नहीं प्राप्त हुआ, तो उनको जो है प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। साथ ही हमारे देश में जो औपचारिक या फॉर्मल तरीके हैं, अर्थात जो विद्यालय के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, और साथ ही साथ जो नॉन फॉर्मल या अनौपचारिक तरीके हैं, या फिर जो अनौपचारिक तरीके हैं जिसको हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, इन सभी के द्वारा फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इन सभी के द्वारा महिलाओं को कैसे शिक्षित किया जाए, उनको शिक्षा के प्रति कैसे प्रेरित किया जाए, ये जो है महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है स्त्री शिक्षा हेतु प्रेरित करना, प्रौढ़ शिक्षा हेतु प्रेरित करना, अनौपचारिक तथा विद्यालय पूर्व सतत शिक्षा के लिए शैक्षणिक उपादान प्रस्तुत करना, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा और विद्यालय पूर्व सतत शिक्षा कैसे प्रदान किया जाए, किस मोड से प्रदान किया जाए, और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं महिलाओं को शिक्षित करने का, इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत करना, महिलाओं को शिक्षित करना, प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना, समाज की जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड महिलाएं उनको शिक्षित करना, और साथ ही साथ जो किशोर उम्र की लड़कियां हैं समाज में, गांव में, उनको कैसे हम फॉर्मल और नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन से कैसे उनको शिक्षित कर सकें, शिक्षा से उनको हम कैसे अधिक से अधिक जोड़ सकें, शैक्षिक कार्यक्रमों से कैसे उनको हम अधिक से अधिक जोड़ सकें, यही जो है महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोगों ने अध्ययन किया कि महिला समाख्या कार्यक्रम है क्या, इस कार्यक्रम को लागू कब किया गया, इस कार्यक्रम को कौन लागू, किसने लागू किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यह कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर चलाया जाता है, इस कार्यक्रम को जो है चलाने के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, इन सभी के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने सुझाव को लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, या अपने प्रश्न को भी लिख सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, आपके सुझावों पर हम अमल करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।